आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके सामने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो बच्चों, एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, यदि आप लोग ये चौथा वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन सेकंड वाला वीडियो इस चैप्टर का जरूर देखें, इस एक्सरसाइज का, क्योंकि वहां पर मैंने एक टेबल के माध्यम से बताया था कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्ट है और कौन सा इनकंसिस्ट है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का वीडियो देखें, उसकी स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पर यह क्लियर किया है कि कौन सा समीकरण युग्म जो है वो संगत है या फिर असंगत है, और फिर संगत होगा तो हम उसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस वाई बराबर 10 के रूप में दो रेखिक समीकरणों का एक युग्म है, और हमें ये पता करना है कि ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लिखकर इनकी कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस से। मैंने इन दोनों की तुलना करनी है यहाँ पर। ये है मानक रेखिक समीकरण, आपको इन दोनों से तुलना करना है। तुलना होती है हमेशा गुणांकों की, x का गुणांक a1, x का गुणांक 1, तो a1 बराबर 1, कॉमा लगाया, y का गुणांक 1 है और y का गुणांक b1, तो b1 बराबर भी 1 है, c1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5, x का गुणांक a2, x का गुणांक 2, तो a2 बराबर आ जाएगा 2, y का गुणांक b2, y का गुणांक 2, तो b2 बराबर आ जाएगा 2, c2 बराबर, इसका ट्रांसफर इधर कर लो तो ये आ जाएगा 10। अब ये दोनों माइनस में आएंगे, क्या सर ये दोनों माइनस में क्यों आएंगे? तो ये दोनों अगर हम इनका ट्रांसफर करेंगे और स्टैंडर्ड इक्वेशंस बनाएंगे तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 5 बराबर 0 बचेगा, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा बराबर में 0, तो डायरेक्टली हम इनको माइनस 5 और माइनस 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर इनको रेशो के रूप में लेके देखते हैं तो ये आ रहा 1/2, b1 b2 को ले रहे हैं तो ये आ रहा माइनस का 1/2। हम जानते हैं कि 1/2 कभी भी माइनस के 1/2 के इक्वल नहीं होगा, तो रेशो ये बोलते हैं कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ इंग्लिश में लिख लेना, हियर यहाँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः देयरफॉर अतः रेखिक समीकरण युग्म संगत होगा, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्ट। के सर हमको कैसे पता चलेगा कि कंसिस्ट और इनकंसिस्ट? तो उसको आपको उस टेबल के माध्यम से पता चल जाएगा जो मैंने आपको अभी देखने के लिए बोली है। और यदि आप डायरेक्टली समझना चाहते हो तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है तब भी कंसिस्ट होता है, और यदि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है और वो c1/c2 के इक्वल भी है तब भी कंसिस्ट होता है, लेकिन डिपेंडेंट कंसिस्ट हो या आश्रित संगत होता है। ठीक है, तो अब चूंकि हमारा ये क्वेश्चन जो है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्ट है, संगत है, तो आगे लिखा हुआ है कि यदि ये संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो बेटा, इस एक्सरसाइज के कई क्वेश्चन मैंने ग्राफीय विधि से सॉल्व करवा दिए हैं। इस क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका मैं एक बार आपको ग्राफ बना के बता देता हूँ, उसके बाद सारे ग्राफ आपको खुद से ही बनाने हैं। यदि आपको नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में कहिए, मैं आपके लिए पर्सनल वीडियो बना के सारे क्वेश्चन के अलग अलग ग्राफ बना दूंगा। तो आइए हम इस पहले क्वेश्चन के लिए ग्राफ बनाते हैं। पहले इक्वेशन की यदि हम बात करें तो पहला जो इक्वेशन है एक्स प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू मैं ले रहा हूँ 0, तो y बराबर डायरेक्ट 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 होगा तो y सीधे क्या आ जाएगा 5। एक टेबल बना लेते हैं जिसमें आपको इसके वैल्यू रखना है, तो टेबल हम बना लेते हैं इसके लिए यहाँ पर कोड पर x, y और इनके वैल्यू। मैंने x का मान 0 रखा, y का मान 5 मिल गया। अब मैं x का मान यहाँ पर रख रहा हूँ 1, तो 1 प्लस y बराबर 5, x की जगह मैंने 1 रखा, y बराबर ये प्लस का 1 उधर जाएगा, ये 5 पहले से ही है और प्लस वाला उधर जाके माइनस, तो y बराबर आ जाएगा 4।
ठीक है, तो मैंने रखा एक से एक और y मिला चार। यदि आपको डायरेक्टली करना है तो भी कर सकते हो, यदि दोनों का योग पाँच है, एक से एक है तो y चार होगा, तभी तो ये दोनों पाँच होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये दो सॉल्यूशन, दो पॉइंट, ये पेयर हमने दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ से ले लिए। अब हम सेकेंड इक्वेशंस के भी दो कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशंस के लिए मैं एक ब्लैक टेबल बना देता हूँ, उसमें हम इसके कोऑर्डिनेट लेके इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। x y, यदि हम x का वैल्यू जीरो लें, x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 10 आएगा और y इज इक्वल टू 10 बाई 2। के सर ऐसा कैसा, पिछली बार तो माइनस में गया था बेटा, वो कुछ इस टाइप से होगा, प्लस में होगा, अभी ये यहाँ पर गुणा में है, गुणा से जाएगा, भाग में कट जाएगा पाँच बार, तो यदि x जीरो तो y आपका आ जाएगा पाँच, ठीक है। अब x को आप ले लो यहाँ पर तीन ले लो, तो x बराबर आपने ले लिया तीन, तो ये हो जाएगा दो गुणा तीन प्लस दो वाई बराबर दस, दो तिया छः प्लस दो वाई बराबर दस, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो दस माइनस छः, दो वाई बराबर चार, दो गुणा से भाग में जाएगा, चार बटे दो, दो आ जाएगा, तो y बराबर दो, यानी कि x आपने रखा तीन तो y दो, x तीन तो y का मान आ गया आपके पास दो। अब हम इन दोनों टेबल के कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं और पता करते हैं कि लाइंस जो है वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती, कोइंसिडेंट होती, पैरेलल होती है, ठीक है। तो आइए ग्राफ की सहायता से समझते हैं। तो आज हम जियोजेब्रा के माध्यम से प्रश्न नंबर चार के पहले प्रश्न का ग्राफ जो है उसको कार्तीय समतल में बना के देखते हैं। तो पहले जो आपके बेटा कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए मैंने ब्रैकेट ले लिया, पहले कोऑर्डिनेट्स आप चुके थे 0, 5, तो मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। तो आपको एक ग्राफ में यहाँ पे ब्लू में ए पॉइंट दिख रहा है, ध्यान से देखें इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपका टाइप कर रहा हूँ, क्या था 1, 4, तो मैंने 1 ले लिया, कॉमा लगाया यहाँ पे और 4, तो ये आपने देखा कि दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर बी के रूप में आ गया है। मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो बी को हमने ले लिया रेड कलर से, ठीक है बेटा। अब हम थर्ड वाला जो हमारा दूसरे नंबर का जो समीकरण है 2x + 2y = 10, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पर टाइप करते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट भी 0, 5 थे, तो 0, 5। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो एक चीज़ आपको नोटिस करनी है यहाँ से कि ए और सी दोनों एक ही हो गए, यानी कि सी था वो गायब हो चुका है, और गायब नहीं हुआ है, सी ए के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो ए आपको गायब होता हुआ दिखाई देता होगा, यहाँ पर आपको दो ही पॉइंट दिख रहा है जबकि हमने 3 पॉइंट यहाँ पे टाइप कर दिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ए और सी दोनों सेम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लास्ट पॉइंट की, तो लास्ट आपका जो पॉइंट था वो था 3, 2, तो 3, 2, ठीक है। अगर मैंने इसको एंटर किया तो ये डी पॉइंट आ गया, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ से, तो मैंने इसको ले लिया ग्रीन कलर में, ठीक है। अब आपके पास ऐसे तो 4 पॉइंट है लेकिन आपको 3 दिख रहे हैं क्योंकि सी ने ए को ढक लिया। अब इनको हम ज्वाइन करके एक लाइन खींच देते हैं, तो मैं इनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ से लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइन मैंने सेलेक्ट की और 2 पॉइंट सेलेक्ट किए। तो जैसे ही मैंने लाइन सेलेक्ट की, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो ग्राफ है इसमें एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। और यदि इसको जूम करेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये चारों के चारों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पर आ रहे हैं। इसका मतलब जो दोनों लाइन से यहाँ पर बन रही है वो एक दूसरे को कोइंसाइड या कोइंसिडेंट या फिर दोनों एक दूसरे के संपाति है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का पहले क्वेश्चन का ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल DVK मैथ्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। All the best.